नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की श्रृंखला में जो कि क्लास 12 अभिव्यक्ति एवं माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से जो कि NCERT हिंदी से ली गई है, जिसमें कि आज पाठ है आपका कविता कैसे बनती है, उसके बारे में जानेंगे कि जो सृजनात्मक लेख है और किस प्रकार से हो सकता है। सृजनात्मक लेख तो जॉर्ज लुइस बोरखेस नाम के अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक थे, एक उनका कि कविता कैसे बनती है, कविता उसके बारे में उनकी अपनी राय थी कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, उनका इस प्रकार का मानना था। तो जानते हैं कविता के बनने की कहानी। माँ, दादी और नानी की जबानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जवान से गीत, दोहरा बत्ता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा, कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जैसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों के पर सोचने को विवश होंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे को पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है, और वह कौन सी चीज़ है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती। कविता के खेत खलियान बाग बगीचे चिड़िया शेर मोची पानी सूखा गांव नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं, और इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। इस प्रकार से देखते हैं, वाचिक परंपरा के जो रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है, उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वे कह उठे कि मान निषाद प्रतिष्ठां तुम गमहा सास्वती समा, यत क्रंच मिथुनां देख माधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने कह दिया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सवाल यह उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है, उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, कि इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह है कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, तो कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि ना बना पाए, लेकिन अच्छा भावुक और सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा।
दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है कि बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। जब तक आप उससे दूर हैं, रहस्यमयी लगेगी। करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है। आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की जरूरत पड़ती है। लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कविता की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र आदि एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि WH Auden ने भी कहीं कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। किसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया कि कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, कुछ कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। के घो घो रानी, कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। इस प्रकार यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत उन्हीं की लिखावट में, जो कि एक कविता के रूप में है, निशा निमंत्रण से। अब देख सकते हैं, इस प्रकार कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता, जो कि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। वहीं वाजिबा हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका किस, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तो ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिद्म है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ खेल खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू ही कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियाँ लेते हैं कि चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर की दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेश पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है।
इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाता है। पड़ती है पैसे पर चोट जब, तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है, तभी उबड़ती है जो मौका पकड़ और गड़ती है और उंगली में। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पैसे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पैसे की चोट पर अधिक बल है। इसलिए इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचें कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, उपयुक्त तो पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथौड़े की चोट अर्थ रखता है। बिंब और छंद, आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। तो उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें कि तट पर बगलों से विद्या विधवाएं जब तब ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें तो बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं, इसलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता ऐसी चीज है जैसे पांच ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श स्वाद दृश्य घ्राण श्रवण रूपी पांच उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। जिस कवि में जितनी बड़ी आंतरिक पकड़ होती है वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। छंद आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को गिरते देखा है नामक कविता को देखें कि यह मात्रा की गणना, अर्थात इस कविता में कि बीती विफावरी जागरी अमरपग नगट में डूबू रही तारक घट उषा नागरी, मानवीकरण के ऐसे पांच उदाहरण देते हुए उनके पोस्टर तैयार कीजिए। तो इस प्रकार के इसी तरह धूमिल की कविता मोचीराम में ऊपर से ऊपर देखने पर छंद नहीं है लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबू जी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो कविता के उपयुक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से प्रचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद, परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन, कविता की भाषा संरचना बेमा छंद सब उसी के अर्ध गर्द घूमते नजर आते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे चूहों को भी हालत रही
चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक और कौओं के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना। गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पंख आदि तत्व शब्दों का प्रयोग हुआ है। या किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें, कई शब्द एक एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ हैं, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं था। अब देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्दों के साथ शिकस्त, गस्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग इसे सहज प्रवेश देता है। ध्यान देने की बात है कि यही कवि जब बादल को गिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है, तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। प्रवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व में प्रचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है, हवा में सुगंध की तरह। कुछ कुछ निराला की स्मृति सरोज स्मृति की तरह घनघोर निजी और उतनी ही सामाजिक, इसे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का यह बढ़ता भी कविता कहलाती है। प्रतिभा के इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। कविता के कुछ प्रमुख घटक हैं। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। नंबर एक बात करते हैं कि कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही, मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना है और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है, पर 100 बात की एक बात कि सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता।
निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा अविकसित अवश्य विकसित अवश्य किया जा सकता है। जहाँ तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी हैं। भाषा सीखने में तो मददगार है ही, कविता की ये कुछ ऐसी विशेषता हैं जो कविता रचना भले ना सिखाएं, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मजा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकता है। तो आई होप दोस्तों आप विभिन्न कविताओं को पढ़ करके कविता लिखने का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में प्रतिभा हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।